बुधवार देर रात सीबीआई और ईडी ने यूपीए शासनकाल के दौरान रहे केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को उनके घर जाकर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मंगलवार को भी सीबीआई और ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त वे अपने घर से फरार हो गए थे। अब जब पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में है तो उनके सलाखों के पीछे जाने का बुरा सपना सच होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यूपीए शासनकाल के दौरान सरकार की मेहरबानी से नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाने वालों में सिर्फ चिदंबरम ही नहीं थे बल्कि और भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकारी बाबुओं और मंत्रियों की मदद से जमकर लूट मचाने का काम किया था। और ऐसे ही लोगों में शामिल थे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय। रॉय दंपति पर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनको लेकर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ईडी पहले ही ऐसे मामलों की जांच कर रही है। बुधवार को ही डायरेक्ट एफडीआई के एक मामले में एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय व उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है। इससे पहले इसी महीने रॉय दंपति को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोक दिया गया था। बता दें कि एनडीटीवी पर भारी कर्ज है और वह वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा सीबीआई भी कई मामलों में रॉय परिवार के खिलाफ जांच कर रही है। यानी इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रॉय दंपति जल्द ही हमें सलाखों के पीछे देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि प्रणय रॉय कई मामलों में कानूनी कार्रवाई को भुगत रहे हैं। एक मामले में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसी वर्ष जून में प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर शेयर बाजार में शेयरों की प्रत्यक्ष या परोक्ष खरीद बिक्री पर या किसी भी तरह के लेन देन और चैनल में डायरेक्टर या कोई भी मैनेजमेंट पद संभालने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तब सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि इनके द्वारा 3 लोन एग्रीमेंट्स को लेकर मॉनिटरिंग शेयर होल्डर से जानकारी छिपाई गई थी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। हालांकि बाद में सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेबी के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसी तरह वर्ष 2015 में सेबी ने एनडीटीवी को आयकर विभाग द्वारा की गई 450 करोड़ रुपए की टैक्स मांग और कंपनी के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की गई शेयरों की बिक्री संबंधी सूचनाएं शेयर बाजारों को देने में देरी करने का दोषी पाया था और कंपनी पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। इस मामले में मार्च 2018 में भी सेबी द्वारा एनडीटीवी और उसके 4 अधिकारियों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा 2G स्कैम के पैसे को पी चिदंबरम के साथ मिलकर ब्लैक से व्हाइट करने के मामले में प्रणय रॉय इनकम टैक्स की जांच में आरोपी भी हैं। तत्कालीन मनमोहन सरकार के कार्यकाल में IRS अधिकारी एस के श्रीवास्तव ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्कैम और इसमें चिदंबरम और प्रणय रॉय की मिलीभगत को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसके बाद इस IRS अधिकारी को काफी प्रताड़ित भी किया गया था। इस संबंध में 2 साल पहले सीबीआई द्वारा रॉय के ठिकानों पर रेड मारी गई थी और अब इसी मामले में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, अभी 19 अगस्त को ही सीबीआई के डिप्टी एसपी ने दिल्ली पुलिस से रॉय दंपत्ति और एनडीटीवी के पूर्वकालिक डायरेक्टर रहे विक्रमादित्य चंद्रा के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने एनडीटीवी पर यह आरोप लगाया था कि मई 2004 से लेकर मई 2010 तक कई भ्रष्ट सरकारी बाबुओं ने एनडीटीवी के माध्यम से अपनी ब्लैक मनी को विदेशों में भेजा था और फिर विदेशों से इस पैसे को व्हाइट कर वापस एनडीटीवी के सहयोगी कंपनियों के माध्यम से भारत में भेजा गया था। यानी एफआईआर के मुताबिक भ्रष्ट अफसरों की काली कमाई को व्हाइट करने में एनडीटीवी अपनी भूमिका निभा रहा था। अगर जांच के बाद यह आरोप सच पाए जाते हैं तो एनडीटीवी पर कानूनी शिकंजा और मजबूत हो सकता है और जल्द ही हमें पी चिदंबरम के साथ साथ रॉय दंपति भी सलाखों के पीछे देखने को मिल सकते हैं।